हेलो डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डू प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स यूज पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दिखाऊंगी जिनमें आपने पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस यूज करके फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब दोनों ही लिखने होंगे देखिए नंबर वन ही डैश इन ब्रैकेट डिस्टर्ब मी तो यहाँ पर आपने पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस यूज करना है तो आंसर क्या होगा वॉज डिस्टर्बिंग क्योंकि ही है इसलिए हमने यहाँ पर वॉज लिखना है वर नहीं लिखना है ओके और कॉन्टीन्यूस टेंस में हम हमेशा वी वन प्लस आई जी यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई जी यूज़ करते हैं इसलिए आंसर होगा वॉज डिस्टर्बिंग अब देखते हैं नंबर टू डैश ही डैश इन ब्रैकेट स्लीप वैन यू केम देखिए यहाँ पर आपने किस तरह से लिखना है यहाँ पर ही मतलब फिर से एक सिंगुलर प्रोनाउन है तो आपने यहाँ पर वॉज uh, लिखना है वॉज आपने स्टार्टिंग में लिखना है ठीक है और स्लीप की आपने वही लिखनी है फॉर्म वी वन प्लस आई एन जी तो आ जाएगा स्लीपिंग वॉज ही स्लीपिंग वेन यू केम जब आप आए थे तो क्या वह सो रहा था ओके okay, उस टाइम क्या वह सो रहा था वेन का मतलब होता है तब ठीक है यहाँ पर इसका मीनिंग है तब नंबर थ्री द स्टूडेंट्स डैश इन ब्रैकेट लुक एट द ब्लैक बोर्ड तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप स्टूडेंट्स हैं तो प्लूरल में आपने क्या यूज़ करना है वर ठीक है स्टूडेंट्स के साथ वर यूज़ करेंगे और लुक प्लस आई एन जी यानी वी वन प्लस आई एन जी तो आंसर क्या होगा वर लुकिंग द स्टूडेंट्स वर लुकिंग एट द ब्लैक बोर्ड ओके okay. तो अब हम देखते हैं नंबर फोर आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है नंबर फोर शी डैश इन ब्रैकेट क्लीन द एलमीरा व्हेन द बेल रैंक तो यहाँ पर शी यानी कि सिंगलर प्रोनाउन है सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हम वॉज यूज़ करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर आंसर वॉज और क्लीन प्लस आई एन जी लिखेंगे हम वी वन प्लस आई एन जी तो आंसर क्या होगा वॉज क्लीनिंग ठीक है शी वॉज क्लीनिंग द एलमीरा वन द बेल रैंग जब घंटी बजी तब वह अल्मीरा को क्लीन कर रही थी इसकी सफाई कर रही थी आप देखते हैं नंबर फाइव इट डैश इन रैकेट रेन व्हेन आई फिनिश्ड माय वर्क तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है इट्स जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन होता है इसलिए आपने वॉज लिखना है और वी वन प्लस आई एन जी यानी कि रेनिंग तो आंसर क्या होगा इट वॉज़ रेनिंग वैन आई फिनिश्ड माई वर्क ओके सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, आपको सब अच्छी तरह से समझ में आ गया है थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप लर्निंग सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैव डन इट येट, थैंक यू